कर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्यूम डाई कास्टिंग के बारे में। जो वैक्यूम डाई कास्टिंग होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे काम करती है। पहले हमने डिस्कस कर रखी है जो डाई कास्टिंग होती है वो कैसे काम करती है, तो एक बार हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। देखिए, वैक्यूम डाई कास्टिंग जैसा कि इसको नाम दिया गया है, इसके अंदर हम वैक्यूम का यूज़ करेंगे। डाई कास्टिंग यानी कि हमारे पास पहले ही जो दो डाई होंगे, डाई के हम दो हाफ यूज़ करते हैं। एक होता है फिक्स हाफ और एक होता है मूवेबल हाफ। तो इन दोनों की जो मूव और जो फिक्स हाफ है, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक कंप्लीट कैविटी बनती है जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे ये मूव हाफ है, तो ये मूव करके इसके साथ मिलाया जाता है जो फिक्स वाला हाफ है, और यहाँ पे जो बीच में ये दिखाई गई है ये कैविटी इस तरह की बन जाती है। तो जो कैविटी है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो आप कोई भी ले सकते हैं। तो डाई के अंदर वही शेप बनाई जाती है ताकि ये दोनों मिलके एक कैविटी बना सकें। इसके अंदर आप कोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको होलो जो है प्रोडक्ट बनाना है। तो इसके अंदर देखिए, ये कैविटी है जो बीच में दिखाई गई है। ये जो है, जो हमने ये ब्लू कलर में दिखाई है, ये क्या है? ये इजेक्टर पिन्स हैं। इजेक्टर पिन्स का काम क्या होता है? इजेक्टर पिन्स का काम होता है कि जब ये प्रोडक्ट सोलिडिफाई हो जाएगा तो इसको धकेल के हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इजेक्टर पिन इसमें हेल्प करती हैं। उसके बाद जब ये डाई जुड़ती हैं, यहाँ पे देखिए, ये रनर सिस्टम और गेट सिस्टम है। रनर के आगे यहाँ गेट और उसके आगे ये कैविटी के अंदर जाता है, तो इसको आप बोल लीजिए कि ये रनर सिस्टम है। तो रनर यहाँ पे लगा है, उसी तरह से ये पैसेज दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे लगा है पंप, जो कि है वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप है। अब वैक्यूम पंप का यूज़ क्यों किया गया है? तो वैक्यूम पंप का यूज़ करने के भी कई रीज़न है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये लगा है वैक्यूम वाल्व। तो ये जो वैक्यूम वाल्व है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको ओपन किया जाता है और जो डिज़ायर्ड अमाउंट में वैक्यूम है वो क्रिएट की जाती है। देखिए, कैविटी से कनेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये है प्लंजर। ये प्लंजर का क्या काम होता है? प्लंजर का काम है जो भी हमारा हॉट मेटल है उसको धकेलना आगे और फोर्सली आगे कैविटी तक ट्रांसफर करना। अब यहाँ पे ये है लैडल। लैडल का फंक्शन क्या है? जो लैडल होती है हमारी, ये हॉट मेटल को कैरी करती है। तो जो मोल्टन मेटल है इस लैडल के अंदर होता है, और इस लैडल को जब हम उलटते हैं तो जो हॉट मेटल है यहाँ पे गिरता है। अब देखिए, जैसे ही हॉट मेटल यहाँ पे आएगा, इस प्लंजर को हम आगे की तरफ धकेल लेंगे और जो हॉट मेटल है वो आगे ट्रांसफ़र होगा और इस पैसेज से जाता हुआ, वो रनर से जाता हुआ कैविटी के अंदर फिल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये फिल होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जो कैविटी है वो फिल हो जाती है। अब देखिए, जो वैक्यूम पंप है इसका काम क्या है? अब देखिए, जब ये सोलिडिफाई होता है, जब हमारा कोई भी मोल्टन मेटल है, जब वो उसको हम मोल्ट करते हैं यानी कि गर्म करते हैं, उसको पिघलाते हैं, तो उसके अंदर जो एयर है या गैसेज हैं इंट्रैप्ट हो जाती हैं। तो वैक्यूम जो पंप है वो क्या करता है? एक तो जो रिड्यूस करता है जो गैस इंट्रैप्टमेंट है, यानी कि गैस अंदर इंट्रैप्ट ना हो या एयर अंदर इंट्रैप्ट ना हो, और जब मेटल को हम इंजेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, जो पोरोसिटी है वो जो है आपकी जो कास्टिंग की है वो कम हो जाती है। तो ये डिक्रीज करता है पोरोसिटी इन द कास्टिंग, क्योंकि जो वैक्यूम है ये वो इसको खींचती रहेगी और जो एयर है या गैसेज है उनको बाहर भेजती रहेगी। दूसरा, जो हमारी हायर लेवल ऑफ जो क्वालिटी है हम इसके अंदर अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो यहाँ पे जो गैस इंटरप्शन है और जो गैसेस जो एयर इंटरप्शन है वो कम हो चुकी है, और दूसरा, जब आप वैक्यूम के साथ इसको यहाँ से अप्लाई करते रहेंगे, वैक्यूम अप्लाई होती रहेगी यहाँ पे पंप के थ्रू, तो क्या होगा, जो वैक्यूम है यहाँ पे जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी जब मेटल को यहाँ पे एंटर होगा, ये कैविटी जल्दी फिल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक तरह का सक्शन इफेक्ट क्रिएट करेगी ये। जब ये सक्शन इफेक्ट क्रिएट करेगी तो यहाँ से प्रेशर तो लग ही रहा है, और जो ये सक्शन इफेक्ट क्रिएट होगा उसके कारण ही कैविटी पूरी फिल हो जाएगी। और अच्छा, आप जो भी इसकी कैविटी की शेप होती है, वो पूरा जो कॉर्नर है या वो कहें कि जो कोई भी जो कंटूर है या शेप है, उसको ये आसानी से वो कैच कर लेगी, उस पर आसानी से वहाँ पे उस जगह को वो फिल कर देगी। तो ये सक्शन इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिससे कैविटी क्या है, जल्दी फिल हो जाती है, मच फास्टर रेट पे जो डाई है जो फिल हो जाती है। तो एंटर करता है, जल्दी एंटर करता है जो ये हॉट मेटल है। तो इस तरह से जो वैक्यूम डाई कास्टिंग है वो काम करती है, और जो एक वैक्यूम का इंपॉर्टेंट रोल इसमें दिखाया गया है, गैस इंट्रप्शन को रिड्यूस करना, एयर इंट्रप्शन को रिड्यूस करना और कैविटी को जल्दी फिल करना, ताकि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की अच्छी मिल सके। तो ये था हमारी वैक्यूम डाई कास्टिंग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।